हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ अलिबा। फुलकोबी को तो विभिन्न प्रकार रेसिपी करी आपण माने खाई। आज आम फुलकोबी को नुआ उपाय रे फुलकोबी रो चिली रेसिपी बनेबा सिखिबा। ताले चालंतु तापाई आवश्यक सामग्री गुड़ी को देखिने रेसिपी को स्टार्ट करिबा। चिल्ली कोबी करने मोठे गोटे मीडियम साइज फुलकोबी नहीं, गोटे बड़ साइज कैप्सिकम, दुईटा बड़ साइज प्याज, 10-12 कोला रसुण, गोटे इंच अदा, तीनटा कंचा लंका, गोटे कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, 4 चम्मच टमाटो सॉस, 3 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, गोटे छोट चम्मच चीनी, गोटे चम्मच काश्मीरी चिल्ली, गोटे चम्मच हलदी गुंड, स्वाद अनुसार लुण। एबे चलंतु आमे रेसिपी स्टार्ट करिबा। रेसिपी स्टार्ट करिया पई एबे चलंतु आमे कोबी, प्याज, कैप्सिकम, कंचा लंका एसब को काटि नबा आउ अदा रसुण को चॉप करि नबा। देखंतु मु एमती कोबी के सब छोटो छोटो करी काटि नै छी, कैप्सिकम को काटि नै छी, प्याज को काटि नै छी, अदा रसुण को पेस्ट कर नहीं, कंचा लंका को काटि नहीं। चलतु कोबी की आम हल्दी लुण पानी रे 5 मिनट पर्यंत बंफे नवा। कोबी को बंफे पैन रे आम 2 कप पानी नहीं जावा। पानी रे आम 1/2 चम्मच पर हल्दी गुंड देद, 1/2 चम्मच लुण देद, बर्तमान या घोड़नी दे पानी को आम टे फुटे नवा। देखो तो हल्दी लुण पा फुटला, एवं आम से काटिक रखि कोबी को देद। ये कोबी को आम 5 मिनट पर्यंत बंफे नवा। एमती करने द्वारा कोबी पोक बाहरी कोबी अलणा लगे ना। बर्तमान या को घोड़ 5 मिनट पर्यंत फुटे ना। देखु 5 मिनट हो कोबी भी आमर अधा सीझीगला, आम गोटे बाल को बाहर कर नवा। देखु मु कोबी की गोटे बाउल को बाहर कर नहीं, चलतु यह आम मेरीनेट कर। मेरीनेट करने प्रथम आम गोटे कप मैदा को देद, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर को देद, 1/2 चम्मच हलदी गुंड को देद, आवश्यकता अनुसार लुण देद, गोटे चम्मच
ଏବେ ଆମେ 2 ଚାମଚ ପାଣିରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଗୋଳେଇ ଯେଉଁ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏହାକୁ ଦେଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଛାଣିକି ରଖିଥିବା କୋବିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଗ୍ରେଭି ସହ କୋବିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗ୍ରେଭି ସହ କୋବି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଲି କୋବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଲି କୋବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।